देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि राहुल गांधी जी 2014 में बुरी तरह से हारे। 2019 में, जो कि राहुल गांधी जी कांग्रेस की फेस थे 2014 में, 2019 में बुरी तरह से हारे। दो लोकसभा इलेक्शन हो गए हैं, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में होते कि एक लीडर बार बार करके, कोई भी नेशनल, बीजेपी में ऐसा होता क्या? तो कोई लीडर बार बार करके अपने पार्टी को इस तरह से उनकी लीडरशिप में हार रहे हैं। अब ये तो पार्टी की, लोगों की सोचना जरूरी है कि पार्टी की फेस, चुनाव की फेस कौन हो। ये तो कांग्रेस पार्टी के सोचना जरूरी है। देखिए, कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स में मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुकी हूँ। तो अगर किताब को लेके कोई सवाल है आपका, तो वो कीजिए। नहीं, फिर भी नहीं, बिकॉज अजय के कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ चुकी हूँ, तो कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स में मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। मेरा पिताजी का कहना यही था कि लोकतंत्र में अलग अलग विचारधाराएं होते हैं, ऑपोजिट विचारधाराएं होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कोई भी दूसरे के विचारधारा से सहमत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विचारधारा का एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व गलत है, वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तो इसीलिए जो वार्तालाप होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मेरे पिताजी जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, उनको जनरेटर ऑफ कंसेंसस माना जाता था, क्योंकि उनमें ये क्षमता थी। और जो कि पार्लियामेंट लॉक जम वगैरह जब होते थे, तो हमेशा दूसरे पार्टी की लीडर्स का साथ बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि उनमें लोकतंत्र में खाली कहना नहीं, सुनना भी बहुत जरूरी है, दूसरों का सुनना भी बहुत जरूरी है। तो उनका विचारधारा यही थी कि लोकतंत्र में डायलॉग होना बहुत जरूरी है, और जिस आरएसएस के प्रचारक को, एक प्रचारक को देश की जनता ने बहुत ही भारी बहुमत से जिताया है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस मत को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आरएसएस का जो आमंत्रण है वो स्वीकार किया, और आरएसएस का प्लेटफॉर्म में उन्होंने कांग्रेस आइडियोलॉजी की प्रचार की। हैरानी की बात तो ये है कि आरएसएस प्लेटफॉर्म से उन्होंने कांग्रेस आइडियोलॉजी, कांग्रेस प्लुरलिज्म, कांग्रेस इंक्लूसिविज्म, पंडित नेहरू की बात की। तो मैं भी तब, जब उन्होंने आरएसएस का जाने का निर्णय लिया, तो मैं भी काफ़ी उनसे नाराज थी, मतलब ट्वीट भी किया था। लेकिन बाद में मैंने सोच में देखा कि लोकतंत्र की जो ये है कि अलग अलग विचारधारा, और उनसे आप सहमत बेशक ना भी हो, लेकिन उनसे वार्तालाप, डायलॉग आप कभी बंद नहीं कर सकते। तो मेरे फादर इसी चिंताधारा के साथ आरएसएस हेडक्वार्टर्स में गए।